तो दोस्तों स्वागत है आपका नया एक और वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन बताएंगे। दोस्तों वीडियो आप लोगों को बता दें कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं फॉर्म, उनका वेरीफाई हो रहा है। दोस्तों आज की करंट की डेट में हम आप लोगों को वेरीफाई होते हुए फॉर्म दिखाएंगे। तो आप लोगों को पूरा फॉर्म देखना है और आप लोगों को पूरा वीडियो समझना है। जो चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप की सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे अब आप लोगों को सबसे पहले अपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे एक वेबसाइट सर्च करना है जिसका नाम है upscholarship.gov.in। ये वेबसाइट आप लोग जब अपने गूगल पे सर्च करोगे सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे दिख रही है upscholarship.gov.in। ये वेबसाइट अब आप लोगों को सर्च करना है अपने गूगल पे। गूगल पे सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से अब आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों की वेबसाइट ये खुल जाएगी और आप लोग अपना स्टेटस अब कैसे देखोगे आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों की जब वेबसाइट खुल जाए वहाँ से अब आप लोगों को स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है। स्टूडेंट पोर्टल पे जाने के बाद आप लोगों को फ्रेश कैंडिडेट हैं वो फ्रेश सेलेक्ट कर सकते हैं, जो रिन्यूअल कैंडिडेट हैं वो अपना रिन्यूअल फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना स्टेटस देख सकते हैं। और आप लोगों को जो भी स्टूडेंटों को यहाँ पे जब खुल जाए स्टेटस यहाँ पे, तो आप लोग आवेदन पत्र की स्थिति जानने पे क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हो। और यहाँ से अब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और जन्मतिथि और पासवर्ड डाल के अपना इंटर हो जाना है। सो दोस्तों अब बताएंगे जो फॉर्म यहाँ पे आज की डेट में वेरीफाई हुआ है उसको आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों को देखना है पूरा फॉर्म। सो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, आप लोगों को समझाएंगे पूरा वीडियो। दोस्तों आज की डेट में जो वेरीफाई हुआ फॉर्म वो आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आप लोग देखिए इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो 2 तारीख को और 11/2020 को, और इनका फाइनल सबमिशन भी हो चुका है दोस्तों 3/12/2020 को। और दोस्तों इनका इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्ड भी हो गया 5/01/2021 को, और इनका वेरीफाइड बाई DWO यानी कि 13 तारीख की मार्च को इनका शाम को वेरीफाइड हो गया। दोस्तों आप लोगों के सामने है इनकी करंट की डेट में वेरीफाई हुआ है। और दोस्तों इनका यूपी स्कॉलरशिप IAS बोर्ड यहाँ पे हाई स्कूल रोल नंबर नोट मैच विद यूपी बोर्ड डेटाबेस बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड मार्क मिसमैच, ये प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं जिनका यूपी बोर्ड रोल नंबर हाई स्कूल 10th का मार्कशीट का मैच नहीं हुआ है उनके भी फॉर्म वेरीफाइड हो रहे हैं, वो भी करंट की डेट में उनके वेरीफाई किए जा रहे हैं। जिनका अभी तक नहीं हुआ उनका बहुत ही जल्द होने वाला है। सेकेंड फॉर्म मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो ये भी करंट की डेट में वेरीफाई हुआ है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरी होम स्क्रीन पे। हम आप लोगों को पूरा समझाएंगे और पूरा दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हो इनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका 14/9/2020 को, और इनका फाइनल सबमिशन भी हो चुका 3/12/2020 को, और इनका इंस्टीट्यूशन ने फॉरवर्ड कर दिया 15/01/2021 को और वेरीफाइड बाई DWO। और इनका कौन सी डेट में 12 मार्च को वेरीफाइड हुआ है, शाम को इनका वेरीफाइड किया गया। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट हैं उनकी करंट की डेट में अभी वेरीफाई हो रहे हैं, जिनके अभी तक नहीं हुए हैं उनके बहुत ही जल्द हो जाएंगे। अगर जो आप लोगों को यहाँ पे जल्दी वेरीफाई करवाना है तो आप लोगों को तुरंत अपने समाज कल्याण में जाना चाहिए और वहाँ पे एप्लीकेशन या फिर कॉलेज को एप्लीकेशन ज़रूर दे देना चाहिए। आप लोगों का बहुत ही जल्द वेरीफाई हो जाएगा, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूँ। तो आप लोग वेट करिए जिनका अभी तक नहीं हुआ है, और जो जल्दी कराना चाहते हैं वेरीफाई तो वे तुरंत अपने समाज कल्याण अधिकारी से मिले और आप लोगों का फॉर्म यहाँ पे बहुत ही जल्द वेरीफाई हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप वेलफेयर ऑफिसर से आप लोगों का मैसेज भी आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि करंट डेट में भी वेरीफाई हो रहे हैं फॉर्म। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो चैनल पर नए कृपया चैनल